السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله تعالى يحب المتوكلين معزز سامعین حضرات ہما قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی اللہ مالک ارض و سما دی ذات پاک واسطے ہے جو ساری کائنات نو پالنے والا ہر ایک نو اودے مقررہ وقت رزق پہنچانے والا علیم بذات الصدور سمیع بصیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید کائنات دے ذرے ذرے دا خالق و مالک درود و سلام آقا دو جہان تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ ساکِ کوثر شافیِ محشر منبعِ رشد و ہدایت کونین دے تاجور امام الحرمین سید الثقلین امام القبلتین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی تے انگنت لا تعداد ریت دے ذرات نلو زیادہ پانی دے قطرات نلو زیادہ درختان دے پتیاں نلو زیادہ بلکہ جاندار دے سانس نلو بھی زیادہ درود و سلام دیاں بارشاں ہون اللہ والو اے زندگی مختصر زندگی ہے جیڑا بھی اس دنیا اندر آیا ہے ایک وقت آنے انہیں اپنا وقت مکمل کر کے اللہ پاک دے سامنے پیش کیتا جانے دنیا تے رہ کے انسان نیکیاں کرتا ہے دنیا تے رہ کے انسان چنگے اعمال کرتا ہے دنیا تے رہ کے انسان نمازاں پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے
दुनिया ते रह के इंसान सदका तो खैरात करदा है, इस वास्ते करदा है कि मैनू अल्लाह पाक दी जन्नत मिल जाए। किसी नू कोई पूछे कि यार नमाज क्यों पढ़ना है, वो कहिंदा है इस वास्ते पढ़ना कि मेरे ते रब राजी हो जाए ते मैनू जन्नत मिल जाए। रोजे रखन वालियां नू पूछिया जाए यार सुबह तो लैके शाम तक भुखा प्यासा रहना, रोजा रखना अल्लाह पाक दी रजा वास्ते ये काम क्यों करना है, वो कहेगा कि मैं जन्नत लैन वास्ते करना। गोया जो भी नेक अमाले करन वाले नू पुछिया जाए यार क्यों करना है, वो कहेगा कि मैं रब दी जन्नत वास्ते करना। हजरात जन्नत अल्लाह पाक ने मोमना लई तैयार कीती है, लेकिन कल कयामत दे दिन अल्लाह पाक दे सामने अदालत अंदर भी पेश होना है। कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें अल्लाह पाक बगैर हिसाब दे जन्नत दा दाखला अता कर देगा। नबी पाक फरमांदे ने अल्लाह पाक दे सामने तीन ग्रोह पेश किए जाएंगे। पहले नंबर ते ओ ग्रोह होएगा जिदे कोलों अल्लाह कोई भी सवाल नहीं करेंगे, अल्लाह उदे कोलों हिसाब नहीं लेंगे, अल्लाह ए नहीं कहेंगे ओ बंदिया मैं तेनू माल दिता दस किथे लगा के आया, बंदिया मैं तेनू इलम दिता ओदे मुताबक अमल भी करके आया कि नहीं, बंदिया मैं तेनू जवानी दिती दस किथे लगा के आया। अल्लाह कोई सवाल नहीं करेंगे, बल्कि बगैर सवाल ते बगैर हिसाब ते अल्लाह पाक उन्होंने जन्नत दा दाखला अता कर देंगे। दुआ फरमाओ अल्लाह पाक सानू इन्ना खुश नसीबा अंदर शामिल कर ले, आमीन सुम्मा आमीन। दूसरा गुरु नबी पाक फरमांदे ने अल्लाह पाक दे सामने पेश किया जाएगा, अल्लाह इन्ना कोलों सवाल करेंगे, इन्ना कोलों हिसाब लेंगे। अगर इन्ना दे गुनाह ज्यादा होंगे और रब दी मर्जी है रब उन्होंने मुआफ़ कर दे या रब उन्होंने अजाब अंदर मुबतला कर दे, ये रब सोने दियां मर्जियां ने। तीसरे नंबर ते नबी पाक फरमांदे ने अल्लाह पाक दे सामने ये तीसरा ग्रोह लियांदा जाएगा, अल्लाह इन्ना कोलों भी सवाल नहीं करेंगे, अल्लाह इन्ना कोलों हिसाब नहीं लेंगे, बल्कि इन्हां नू बगैर हिसाब जहन्नम दा बालन बना देंगे, इन्हां नू बगैर हिसाब जहन्नम दा ईंधन बना देंगे। आओ जरा इस खुतबे जुमा दे मुख्तसर वक्त अंदर अज इंसान दी ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक मैनू जन्नत दे दे, अल्लाह पाक मेरे कोलों हिसाब ना ले। ओ यार असी इस दुनिया ते हिसाब देन जोगे नहीं, इंसान इंसान कोलों सवाल कर ले इंसान ओदे ही जवाब नहीं दे सकता, एक सारे दिन का इंसान किसी नूं हिसाब नहीं दे सकता, उत्थे ते सारी जिंदगी का हिसाब देना पैना है। दुआ फरमाओ अल्लाह सानू सारियां नूं बगैर हिसाब जन्नत दा दाखला अता कर दे। अज मैं वो सत अमाल बयान करांगा जिन्हां दे करन दी वजह दे नाल अल्लाह बगैर हिसाब जन्नत दा दाखला अता कर देंगे। खुतबा जुमा तो बाद तुसां ते मैं वेखना है क्या तुहाडे मेरे अंदर वो अमाल मौजूद ने कि असी बगैर हिसाब अल्लाह दी जन्नत अंदर चले जाइए। आओ जरा बात दा आगाज अल्लाह पाक दे कुरान तो करिए। अल्लाह पाक ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फरमाया इन्नल्लाह ताआला युहिब्बुल मुतवक्किलीन। कायनात लोगों अल्लाह दा कुरान इस बात का ऐलान कर रहा है, फरमाया इन्नल्लाह ताला युहिब्बुल मुतवक्किलीन। कायनात दे अंदर जिंदगी गुजारने वालों, ये मैं कुरान पाक दी आयत पढ़ी है, आवाज बन के चलाओ शोर आ रहा है। अल्लाह पाक दा कुरान इस बात दा ऐलान कर रहा है, नाल नबी अलैहि सलातु वसलाम फरमांदे ने, आका पाक फरमांदे ने इंज मेरे सामने लोगों नू पेश कीता गया। आमीना दे लाल अलैहि सलातु वसलाम फरमांदे ने इंज मेरे सामने लोगों नू पेश कीता गया, मैं सोचिया अल्लाह ए केड़े लोग ने, फरमाया सोनिया ए मेरी इंसानियत, फिर मैं आमीना
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਲ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜੇ ਸੱਜੇ ਨਜ਼ਰ ਦੁੜਾਈ ਇੰਜ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਹੀ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਬੀ ਆਦਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਬੀ ਨੂਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਬੀ ਯਾਕੂਬ ਤੇ ਯੂਸਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਬੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਐਸੇ ਨਬੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਏ ਕਈ ਐਸੇ ਨਬੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌ ਬੰਦਾ ਏ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਨਬੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਬਰਾਈਲ ਏ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਏ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਤੇ ਨਬੀ ਮੂਸਾ ਦੀ ਉਮਤ ਏ ਇਹ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੱਜੇ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਖੱਬੇ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਚਾਰੋ ਤਰਫ ਨਜ਼ਰ ਘੁਮਾਈਏ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਹੀ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਏ ਮੈਂ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਬਰੀਲ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਤ ਏ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਉਮਤ ਮੁਹੰਮਦੀਆ ਏ ਕੁਨ ਤੁਮ ਖੈਰਾ ਉਮਤੀ ਨੋਖਰੀ ਜਤਲੀਨਾਸ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਤ ਏ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70,000 ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਹਿਸਾਬ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਹਿਸਾਬ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇੱਧਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਸਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਓਏ ਵਾਹ ਨਬੀ ਦਿਓ ਸਹਾਬੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੰਨਤ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਹ ਨਬੀ ਦਿਓ ਸਹਾਬੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਓਏ ਵਾਹ ਨਬੀ ਦਿਓ ਸਹਾਬੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਿਆਬਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ 70,000 ਲੋਕ ਤੇ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾ ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਬਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਲਸਤਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਏ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਰਫਾਕਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਨਬੀਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋਹਣਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮੰਨ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹਨਾਂ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 70,000 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ 4,90,000,000 ਬੰਦਾ 4,90,000,000 ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਬਗੈਰ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਜੰਨਤ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦੇਗਾ ਦੁਆ ਫਰਮਾਓ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰ ਲੈ
नबी पाक दे सहाबा ने जदों इन्नी गल की आमीना दे लाल अलैहि सलातु वस्सलाम दे सहाबा फरमान लगे आंदे ने सोनिया ए केड़े लोग ने जड़े इस्लाम ते पैदा होए ते इस्लाम ते फौत हो गए। फरमाया नहीं नहीं है वो लोग नहीं है। फरमाया असी ते दौरे जाहलियत अंदर पैदा हुए सा, हुण अल्लाह ने इस्लाम की दौलत दे नाल माला माल किया है। सोनिया सी सारा कुछ कुर्बान कर दिता, सोनिया सी बीवी बच्चे कुर्बान कर दिते ने, सोनिया सी माल भी कुर्बान कर दिता है, सोनिया सी जाना भी कुर्बान कर दितिया ने। अगर अपनी जान दी कुर्बानी देन दा वक्त आएगा सोनिया सी ओ भी दे दवांगे। ताई ते शायर बड़े प्यारे जुमले लिख दे, तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाली सलातो सलाम दे सहाबा बारे कहने वाले ने बड़े प्यारे जुमले बोले। एक दफा कहो हाँ सुबहान अल्लाह। कुरान भी गवाहियां दितियां वफादारां दियां, कुरान भी गवाहियां दितियां वफादारां दियां, शाना बहु उच्चियां हैं नबी दे यारां दियां। कुरान भी गवाहियां दितियां, कुरान भी गवाहियां दितियां वफादारां दियां, शाना बहु उच्चियां हैं नबी दे यारां दियां। सहाबा बेमिसाल हैं सारे नबी दे नाल नाल सारे, नबी दे नाल नाल सारे। अरोजे विच वेख जरा, अरोजे विच वेख जरा मजारा पैरेदारां दियां, शाना बहु उच्चियां हैं नबी दे यारां दियां। कुरान भी गवाहियां दितियां, कुरान भी गवाहियां दितियां नबी दे यारां दियां, शाना बहु उच्चियां हैं नबी दे यारां दियां। सहाबा हर जगह ते छा गए अलम इस्लाम दाले रा गए, अलम इस्लाम दाले रा गए। काफरानु भुलियां नहीं, काफरानु भुलियां नहीं मारा तलवारां दियां, शाना बहु उच्चियां हैं नबी दे यारां दियां। कुरान भी गवाहियां दितियां ओना वफादारां दियां, शाना बहु उच्चियां हैं नबी दे यारां दियां। तू कलमा ते कुरान वेखे, तू कलमा ते कुरान वेखे कदी करके ध्यान वेखे, कदी करके ध्यान वेखे। ये सब कुर्बानियां हैं, ये सब कुर्बानियां हैं ओना जान सारा दियां, शाना बहु उच्चियां हैं नबी दे यारां दियां। कुरान भी गवाहियां दितियां, कुरान भी गवाहियां दितियां ओना वफादारां दियां, शाना बहु उच्चियां हैं नबी दे यारां दियां। कायनात दे लोगो आओ जरा ओना अमाल ते फोकस करिए, ओना अमाल ते तवज्जो करिए जिन्ना अमाल दी वजह तो आमीना दे लाल अलैहि सलातु वस्सलाम फरमांदे ने कल कियामत दा दिन होएगा अल्लाह बगैर हिसाब दे जन्नत दा दाखला अता कर देगा। पहले नंबर ते नबी पाक फरमांदे ने जेड़े लोग अपने जिस्म दा इलाज गर्म लोहे नाल नहीं करवाणगे अल्लाह पाक कल कियामत दे दिन उन्हां नूं बगैर हिसाब दे जन्नत दा दाखला अता कर देगा। अपने जिस्म नूं गर्म लोहे दे नाल एदा मतलब की है, पुराने दौर अंदर आमीना दे लाल अलैहि सलातो वस्सलाम दी आमद तो पहला लोग अपने जिस्मां दा इलाज लोहे नूं गर्म करके करिया कर दे, लोहे नूं पिघला के करिया कर दे, उन्हां दे जिस्मां ते निशान पै जांदे। नबी पाक फरमांदे ने
सहाबा जड़ा बंदा अपने जिसम का इलाज गर्म लोहे नल नहीं करवाएगा कल कयामत का दिन होएगा अल्लाह नु बगैर हिसाब दे जन्नत का दाखला अता कर देगा। कायनात दे लोगों दूसरी केड़ी खसूसियत है नबी पाक फरमांदे ने आका अलैहि सलातु वस्सलाम नु मानने वालो नबी पाक नाल मुहब्बत दा इरादा लेके बैठन वाले हो आमीना दे लाल अलैहि सलाम फरमांदे ने जेड़ा बंदा जादूगर कोल नहीं जांदा जेड़ा बंदा काहन कोल नहीं जांदा जेड़ा बंदा नजूमी कोल नहीं जांदा आमीना दे लाल फरमांदे ने कल कियामत दा दिन होएगा अल्लाह इस बंदे नु बगैर हिसाब किताब दे अपनी जन्नत दा दाखला अता कर देगा। इत्थे पैगाम देना चाहवांगा अज तेरा कारोबार ना चले तू जाने तवीज़ा वालिया कोल अज तेरा कारोबार ना चले तू जाने नजूमिया ते काहिना कोल दसो ते सही मैं फुलां कम करना चाहना अल्लाह बरकत भी अता करेगा कि नहीं करेगा मैं फुलां जगह शादी करवाना चाहना दसो ये होएगी कि नहीं जाके अपना हाथ विखांदे दसो ते सही नान वाले वक्त अंदर मेरे नाल केड़ी बेहतरी होएगी मेरे नाल केड़ा कम खराब होएगा। ओ सुनो लोगो तवज्जो दे नाल आमीना दे लाल फरमांदे ने जेड़े बंदे ने जाके नजूमिया काहन दे कोल इंज हथ दिखाया ओनू वेख के अपने अहवाल पता कीते नबी पाक फरमांदे ने 40 दिन तक अल्लाह दी कोई भी इबादत कबूल नहीं करदा। दूसरी हदीस नबी पाक फरमांदे ने जेड़े बंदा ने काहन ते नजूमी कोल जाके अपना हाथ दिखाया या अहवाल पता कीते नबी पाक फरमांदे ने उन्हें इंज कीता है कि जिवें मेरी शरीयत दा इनकार कर दिता है। हजरत जी सड़क ते निकलो हर सड़क ते तेन कोई ना कोई टाट विछा के तोता रख के फाल कड़न वाला नजर आएगा। और यार कदी मेरे कहन ते इन्हां दे कोल जाई ना ये जो कहें आने वाले वकत का हाल दस नहीं आ इन्हों के कोल जाके वो साढ़े काल में दीन सन वह गल सुना आंदे ने कि मैं एक फाल निकालन वाले दे कोल गया मेरे नाल एक मेरा यार उन्हें जाके पहला दस्या कि ये की होने वाला है उन्हें दस दिता कि फुलां फुलां होने वाला है। हजरत साहब फरमाते ने मैं जाके अपने दोवें जूते उतार ले मैं कहा तू इन्नी जू करनी वाला है तो दस ए जुत्ती मैं तेन मारनी है कि नहीं मारनी वो कवे मारनी है फिर भी फसद ना कवे तो फिर भी फसद। हजरत जी सब ड्रामा रचाया इन्ह लोगों ने कोई तकदीर दे हाल नहीं जानता कोई गैब दा इलम नहीं जानता अल्लाह पाक दा कुरान ऐलान कर रहा है फरमाया वलिल्लाहि गैबु समावाति वल अर्द वलिल्लाहि गैबु समावाति वल अर्द किते अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा है इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर छड़ दे जादूगरां कोल जाना आ तेरे मेरे घर अंदर बड़ी बीमारी आ गई है अगर नू दी लड़ाई हो गई है जाके जांदी है जादूगर दे कोल अगर खावन ते बीवी दा मसला बन गया है जांदी है जादूगर दे कोल अगर किसे दे घर अंदर खुशहाली आ गई है इन्नू बर्दाश्त नहीं होया ते जांदी है जादूगर दे कोल अगर किसे दी दुकान चल पई है ए बंदे कोलों बर्दाश्त नहीं होया ते ज्यादा जादूगर दे कोल ओए वीरा ए कुफरिया अमली कल कियामत दे दिन नबी पाक दे सामने भी जाना ही जेड़ा बंदा जादूगर को नहीं जानता काहन को नहीं जानता नजूमी को नहीं जानता नबी पाक फरमाते ने कल कियामत दा दिन होएगा अल्लाह इस बंदे नो बगैर हिसाब अपनी जन्नत दा दाखला अता कर देंगे। दो काम हो गए पहले नंबर ते नबी पाक फरमाते ने जेड़ा बंदा अपने जिस्म दा इलाज गर्म लोहे दे नाल नहीं करवांदा अल्लाह कल कियामत दे दिन बगैर हिसाब जन्नत दा दाखला अता करनगे। दूसरा अमल नबी पाक फरमांदे ने जेड़ा बंदा जादूगर कोल नजूमी कोल काहिन कोल नहीं जांदा कल कियामत दा दिन होएगा अल्लाह इन्हें बगैर हिसाब जन्नत दा दाखला अता कर देंगे। ताई ते अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा है फरमाया इन अल्लाह ताला युहिब्बुल मुत
मुतवक्किलीन। कायनात दे लोगो तीसरा अमल केड़ा जिदी वजह तो अल्लाह पाक बगैर हिसाब दे जन्नत दा दाखला अता करेगा। नबी पाक फरमांदे ने जिस बंदे ते बीमारी आ गई, बुखार हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गई, हार्ट दा पेशेंट हो गया, किडनी दा पेशेंट हो गया, कैंसर जैसियां बीमारियां लग गईयां, अगर इन्हों कोई भी बीमारी आ गई, मेरे मुर्शद पाक फरमांदे ने नबी अलैहि सलातु वस्सलाम दा फरमान है एदे ते बीमारी आ गई, इन्हे ना दवाई लई ना इन्हे दम करवाया, हालांकि दम करवाना जायज है। ओ यार कदी तू भी ते अपने आप नू दम करिया कर, कदी कुरान पाक दियां आखरी तिन्ने कुल पढ़ के अपने आप नू दम करिया कर, सूरह बकरा दियां आखरी दो आयात पढ़ के दम करिया कर, सूरह फातिहा दे नाल दम करिया कर। अज ते मैं पीरां फकीरां नू पैगाम दवांगा, जिहड़ा दम दा नाम लैके लोगां दियां इज्जतां नू दाग लगांदे ने, दम दा नाम लैके लोगां दियां इज्जतां नू तार तार करदे ने, दम दा नाम लैके लोगां दे घरां अंदर चले जांदे ने, दम दा नाम लैके गैर महरमां दे जिस्मां ते हथ लगांदे ने, दम दा नाम लैके अपने कोल गैर महरमां नू सैपरेट दम करदे ने। ओ यार कोई दम नहीं ऐसा, आमीना दे लाल अलैहि सलातु वस्सलाम दे फरमीन अंदर इंज तेरी मेरी अम्मा जान सैयदा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा सलामुल्ला अलैहा तशरीफ फरमाने, नबी पाक नू बुखार हो गया, आका पाक ने इंज हथ बुलंद किते, नबी पाक फरमांदे ने आयशा प्यारीए मैनू दम करना। हजरत आयशा सिद्दीका फरमांदियां ने मैं नबी पाक नू आखरी तीन कुल पड़े, मैं नबी पाक दे हथां ते इंज फूक मारी, नबी पाक ने अपने जिस्म ते हथ लगा ले। ओ यार दम करवाया कर, दम आप भी करया कर, बच्चियां नू भी दम करया कर, अपने आप नू भी दम करया कर, अपने घर वालियां नू भी दम करया कर, लेकिन यकदम किसे दे नाल ना करया कर। कायनात दे लोगो आका पाक दा कलमा पढ़ने वालो, अज दम दे नाम ते तेनू सोशल मीडिया भरिया नजर आएगा लोगां दे नाल, अज दम दे नाम ते मैं पैगाम दवांगा, गल हसन वाली नहीं, गल ते रोण वाली है। अज तेरे मेरे मुआशरे अंदर दम दा नाम लैके पीर लोगां दियां इज्जतां लुट के चले जांदे ने, दम दा नाम लैके लोग पैसे बटोर के चले जांदे ने, दम दा नाम लैके लोग इज्जतां नू दाग ला के चले जांदे ने। कायनात दे लोगो आमीना दे लाल अलैहि सलातु वस्सलाम नू कलमा ने वालो, नबी पाक फरमांदे ने जेड़ा बंदा ना दम करवांदा है ना दवाई लैंदा है, अपने रब ते भरोसा कर लैंदा है, आमीना दे लाल फरमांदे ने कल कयामत दा दिन होएगा अल्लाह इस बंदे नू बगैर हिसाब अपनी जन्नत दा दाखला अता कर देणगे। अज तेनू माड़ा जिहा बुखार हो जाए नसना डॉक्टरां दे कोल, अज तेनू माड़ा जिहा सिर दर्द करन लग जाए कहना लियाओ मैनू डिस्प्रीन दवो, यार कदी उह सोहणे रब ते वी ते तवक्कुल करिया कर ना, बीमारी आ जाए कदी उस मालक दे सामने भी आ जाया कर, अद्धी रात दे वेले उठ के उस मालक दी कुंडी खड़काया कर, इत्थे पैगाम दवांगा अज तेरे मेरे कोल सारी रात मौजूद है, अज इंटरनेट वास्ते सारी रात मौजूद है, टिकटॉक वास्ते सारी रात मौजूद है, अज सोशल मीडिया वास्ते सारी रात मौजूद है, यूट्यूब वास्ते सारी रात मौजूद है, कंजर खाने वास्ते सारी रात मौजूद है, कवालियां गाणियां वास्ते सारी रात मौजूद है, यारां दोस्तां वास्ते सारी रात मौजूद है, अर्श वाले रहमान वास्ते तेरे कोल पंज मिनट भी टाइम कोई नहीं, अर्श वाले रहमान वास्ते तेरे कोल दो रकतां दा भी टाइम कोई नहीं, अर्श वाले रहमान वास्ते तेरे कोल आंसू बहाण दा भी टाइम कोई नहीं। ओ यार आया कर अल्लाह पाक दे सामने, रोया कर अपने आप नू रब दे सामने रख के। नबी अलैहि सलातु वस्सलाम नू मानने वालो चौथे नंबर ते नबी पाक
फरमाते ने जेड़ा बंदा बद शगुनी नहीं करता उस बंदे नूं भी अल्लाह बगैर हिसाब जन्नत दा दाखला अता करनगे। तुसीं आखोगे फजी बद शगुनी किन्नू किया जांदा है, इंसान निकलिया सफर वास्ते अगो काली बिल्ली ने रस्ता डक लिया है, आंदा हुण सफर नहीं करना मेरे ते कोई आफत आण वाली है, आसमान ते छत दे उते एदी मकान दी छत ते इंज कव्वा बोलिया कहिंदा अज मेहमान आण वाले ने। मुआशरे अंदर कई ऐसियां औरतां मौजूद ने जिन्हां नूं लोग आंदे ने ए मनहूस औरतां ने, जिथे जान लड़वाई करवा देंदियां ने, जिथे जान फितना फसाद पा देंदियां ने। इंसान अपने कारोबार विच आया है, ए सुबह सुबह दे कोल कोई इंसान आ गया, अज दी दिहाड़ी चंगी नहीं लगी, आंदा यार फलां बंदा मनहूस मेरे कोल आ गया सी, ओदी वजह तो शायद मेरी दिहाड़ी नहीं लगी। ए बंदा बद शगुनी करदा है, एवें तुक्के लाई जांदा है। नबी पाक फरमांदे ने कल कयामत दा दिन होएगा जेड़ा बंदा बद शगुनी नहीं करदा, किसे नूं मनहूस नहीं समझदा, कल कयामत दा दिन होएगा अल्लाह पाक इस बंदे नूं बगैर हिसाब अपनी जन्नत दा दाखला अता कर देणगे। पंज अमल हो गए। पहले नंबर ते जेड़ा बंदा गर्म लोहे दे नाल अपने जिस्म दा इलाज करवांदा है, मैं तुहानू सबक याद करवा रहा, समझो कि तर्जमा क्लास बैठी है, अज सबक लैके जाना है कि यार हर बंदे की ख्वाहिश जो है कि मैं बगैर हिसाब जन्नत दे जावा, हिसाब ते मैं दे नहीं सकता, फिर क्यों ना ऐसे अमाल करिए। पहले नंबर ते गर्म लोहे दे नाल जिहड़ा बंदा अपने जिसम का इलाज करवांदा है उन्हें अल्लाह पाक बगैर हिसाब जन्नत का दाखला ता नहीं करेगा। जिहड़ा बंदा गर्म लोहे दे नाल जिसम का इलाज नहीं करवांदा अल्लाह नूं बगैर हिसाब जन्नत दा दाखला अता करेगा। दूसरे नंबर ते जिहड़ा बंदा जादूगर काहन नजूमी को नहीं जांदा इन्नू वी अल्लाह पाक बगैर हिसाब जन्नत दा दाखला अता करेगा। तीसरे नंबर ते जिस बंदे ते बीमारी आ गई, इन्हें ना दवाई लई है ते ना इन्हें दम करवाया, नबी पाक फरमाते ने इन्नू वी अल्लाह बगैर हिसाब जन्नत दा दाखला अता करेगा। पंजवें नंबर ते नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने जिहड़ा बंदा बद शगुनी तो बच जांदा है, किसी नूं मनहूस नहीं समझदा, किसी नूं भैड़ा नहीं समझदा, कल कयामत दा दिन होएगा अल्लाह पाक इन्हूं बगैर हिसाब जन्नत दा दाखला अता करेगा। छठे नंबर ते केड़ा ऐसा अमल है जिदी वजह तो अल्लाह बगैर हिसाब जन्नत दा दाखला अता करेगा। अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा है, फरमाया व मैं यत्तकिल्लाहा या जअल्लहू मखरजा। कायनात दे लोगो कुरान पाक दा दूसरा मुकाम, फरमाया इन्नमल मुअमिनूनल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतुहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। जेड़ा बंदा तवक्कुल रब ते कर लैंदा है, अपना तवक्कुल अर्श वाले रहमान ते कर लैंदा है, अपना भरोसा अर्श वाले रहमान ते कर लैंदा है, अपने यकीन दियां डोरियां अर्श वाले रहमान ते सुट देंदा है, अपने मुआमलात अल्लाह पाक दी सपुरद कर देंदा है। कायनात दे अंदर जिंदगी गुजारने वालो आमीना दिलाल फरमांदे ने जेड़ा बंदा अपने रब ते तवक्कुल कर लैंदा है कल कयामत दा दिन होएगा अल्लाह इहनूं बगैर हिसाब जन्नत दा दाखला अता करेगा। तवक्कुल रब ते करिया कर, अज तैनूं मुआशरे अंदर कई ऐसे लोग नजर आणगे, हजरत जी मैं अपनियां फसलां नूं पानी लगाया, हजरत जी मैं अपनी फैक्ट्री अंदर कम कीता, हजरत जी मैं अपनी दुकानदारी नूं चमकाया, हजरत जी मैं गड्डी ले लई, हजरत जी मैं कोठी बना लई, ओ यार मैं ना करिया कर, अल्लाह अल्लाह करिया कर, ए आखिया कर अल्लाह तेरी रजा सी ते मैं ना कुछ कर सकिया, अल्लाह अगर तेरी रजा ना हुंदी अल्लाह मैं दुनिया ते किसी चीज़ दे काबल नहीं सा। इंसान आंदा मैं मेहनत कीती है, इधर अल्लाह फिर आफता भी भेज देंदा है, वे कसूर दा इलाका पानी दी ज़द अंदर आ गया, ए आफत नहीं ते होर की है, मुल्के पाकिस्तान अंदर लोगों नूं बिजली दे बिल इन्ने ज़्यादा आ गए, लोग खुदकशियां करन ते मजबूर हो गए, ए आफत नहीं ते होर की है, लोगों नूं बिल इन्ने ज़्यादा आ गए, लोगों ने अपनी
अपनिया बेटिया जिंदा दरगोर करना शुरू कर दिता। लोगों ने अपनिया बेटिया बराए फरोक के पोस्टर के नीचे खड़ा कर दिता। ये आफत नहीं तो होर की है, इन्नी महंगाई अरूज ते पहुंच गई, गरीब का लक टुट गया है। वो इन्हों एसिया च रहन वाले गुरबत का की पता होए, इन्हों लैंड क्रूजर च फिरन वाले गुरबत का की पता होए, इन्हों की पता होए। मजदूर ने सारा दिन दिहाड़ी लगा के अपने बच्चिया वास्ते शाम को कुछ पैसे लैके जाने ने। वो यार दस ते सही ना, अज मैं हकूमत वक्त को मुतालबा करांगा, एक मैं सवाल करांगा, अज मैनू दसो ते सही ना, मजदूर अपने घर का बिल अदा करे या अपने बच्चिया दियाँ फीसा अदा करे, मजदूर अपने घर का बिल अदा करे या अपने घर अंदर राशन पानी मुकम्मल करे, मजदूर अपने घर का बिल अदा करे या अपने बीवी बच्चे दे मुआमिलात वेखे, मजदूर अपने घर का मुआमिलात वेखे या अपने घर का रेंट दवे, मजदूर अपने घर का बिल अदा करे या मोटरसाइकिल का तेल पूरा करे, मजदूर अपने घर का बिल अदा करे या अपने बच्चिया के शौक पूरे करे। और यार इत्थे मुल्के पाकिस्तान अंदर कियामत सुगरा बपा हो गई है, 312 रुपए लीटर राह का पेट्रोल हो गया है। कोई है इन्हों पुछन वाला, कोई है इन्हों ते सवाल करने वाला, उन्हों दियाँ अयाशियां जियो रूजते ने, पिसदा ते गरीब है, पिसदा ते मजदूर है, पिसदा ते निचला तबका है, पिसदा ते सफेद पोश लोग ने, अमीरां नू की लगे जिन्ना मर्जी पेट्रोल होए ते महंगाई होए। ओए खुदा दा नाम दे के कहांगा, अपने मुहल्ले अंदर गरीब की मदद करिया कर, गरीब की आवाज बनिया कर, गरीब दे नाल खलोया कर, गरीब दे नाल प्यार करिया कर। ए गरीबी ऐब नहीं, ए गरीबी ते अंबिया दा वसफ है। अल्लाह ने जिन्ने नबी पैदा किते ने, अल्लाह ने सब नू गरीब पैदा किया है। आमीना दे लाल फरमांदे ने, अल्लाह कल कयामत दिन अगर मैं मुहम्मद नू उठाई ते गरीबां अंदरों उठाई, इन्हां गरीबां दे नाल एहसास ते हमदर्दी करिया कर। कायनात दे लोगो, अज इंसान कहिंदा कि मैं सारा कुछ कीता है, इधरों आफतां आ जांदियां ने, सारा कुछ तबागो बर्बाद हो जांदा है। अल्लाह आंदे ने दस कौन है तेनू पुछण वाला, फिर अल्लाह कहंदे ने दस तेरिया चौधरा घटा कित्थे गईयां, दस तेरिया मेहनत कित्थे गईयां, दस तेरिया दुकाना कित्थे गईयां। आ पिछले हालिया दिन अंदर जदों सैलाब आया डेरा गादी खां अंदर, मैं अपनिया अखां दे नाल जाके मंजर वेखिया, तीन तीन मंजिलां उच्चियां बिल्डिंगां जमीन बोस हो गईयां, दुकाना खत्म हो गईयां, लोगों के बैंक बैलेंस खत्म हो गए, बादशाहां वाली जिंदगी गुजारन वाले इंज सड़कां ते निकलन ते मजबूर हो गए। कायनात लोगो, हर हाल अंदर अल्लाह का शुक्र अदा करिया कर, अल्लाह का हक दिया कर। अगर अल्लाह का हक नहीं देगा, अल्लाह का हक की है, जिन्नी जकात बने जकात दिया कर, जिन्ना सदका बने सदका दिया कर। अगर ये काम नहीं करेगा, अल्लाह फरमाते ने ए मेरा हक है मैं निकाल ही लवांगा। अगर तू जकात अदा नहीं करेगा, तेरे बच्चे बीमार हो जाएंगे। अगर जकात अदा नहीं करेगा, तेनू लाश हो जाएगा। अगर जकात अदा नहीं करेगा, इतने तेरी गड्डी वज जाएगी। अगर जकात अदा नहीं करेगा, घर का मकान का छत डिग पेगा। उते भी ते पैसे लाने नहीं, अल्लाह की राह अंदर दिया कर। अल्लाह तेरे ते मुसीबत पाई कोई ना, अगर अल्लाह की राह अंदर नहीं देगा, अल्लाह इस पासियों तेरे पैसे निकलवा लेगा। इंसान सारी जिंदगी मेहनत कर दे पैसा कमाण वास्ते, आखरी वक्त अंदर आके एदी सेहत खराब हो जाती है, एदी सेहत ते सारा पैसा लग जाता है। पिछले दिन अंदर मुल्के पाकिस्तान का गुलकार सदबाद फौत होया है, उन्हें 12 करोड़ रुपया अपनी जात ते लगाया है, आंदा जो को जमा पूंजी है मैं लगा चुकिया वा। कायनात दे लोगो, अल्लाह अपना हक लेना जानता है, ओ वीरा अल्लाह दे नाल मुकाबले बाधियां ना करिया कर, अल्लाह दा हक अदा करिया कर। 7वें 6वें नंबर ते नबी पाक फरमांदे ने, जेड़ा बंदा हर नमाज तो बाद आयतल कुर्सी पढ़दा है, की पढ़दा है, सारे बोलो की पढ़दा है, थोड़ा थोड़ा गे तशरीफ लाओ, की पढ़दा है, और यार जिन्हों आयतल कुर्सी आंदी ओ ते बोले गूंगे ते इतराज ही नहीं, की पढ़दा है, आयतल कुर्सी। ये वाहिद ऐसी आयत है जिहड़ी अल्लाह नूं पूरे कुरान विचों सब तो ज्यादा प्यारी है।
ਇਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਇਖਤਿਤਾਮ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਤਲ ਕੁਰਸੀ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਇਤਲ ਕੁਰਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਜ਼ਬਾਨ ਲੜ ਖੜਾਉਂਦੀ ਹੋਏ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋ ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਇਤਲ ਕੁਰਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਤਲ ਕੁਰਸੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਬਗੈਰ ਹਿਸਾਬ ਇੱਧਰ ਮੌਤ ਆਏਗੀ ਇੱਧਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਅਤਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨਮਾਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈਏ ਫੌਰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢੇਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇੱਕ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫੌਰਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ। ਯਾਰ ਨਾ ਇੰਝ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੇਰੀਆਂ ਜਨਤਾਂ ਤੱਕ ਗਵਾਹੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਤਲ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨੂੰ ਬਗੈਰ ਹਿਸਾਬ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਅਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਅਮਲ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਯੁਹਿੱਬੁਲ ਮੁਤਵੱਕਿਲੀਨ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਰਾਦਰੇ ਮੋਹਤਰਮ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਖਤੀਬ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਮਰਕਜ਼ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਮੁਆਜ਼ ਸਾਰਮ ਸਾਹਿਬ ਲੱਦਰ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਖਤੀਬ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਗੋ ਜਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਤੋਂ ਆਏ ਜੇ ਕੋਲੀ ਲੁਆਰਾਂ ਤੋਂ ਮਲਕੇ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜੋ ਹਰੜ ਤੋਂ ਬਾਈ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਕਬੂਲੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਏ। ਉਹ ਯਾਰ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਦੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਵਫਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਦੇ ਮਕਾਨ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਤੌਫੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ। ਆਖਰੀ ਅਮਲ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਵਾਂ। ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੋਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ ਯਮਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਂਦੀ ਏ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸੋਹਣਿਆ ਬਿਮਾਰੀ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਪਰਦਾ ਸਾਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਹਣਿਆ ਬਿਮਾਰੀ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਪਰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸੋਹਣਿਆ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰੇਂਗੀ, ਸਬਰ ਕਰੇਂਗੀ, ਓਏ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਤਗੀਆਂ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਦਾਮੀਆਂ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਅੰਦਰ ਬੀਬੀਆਂ ਮਰਗ ਤੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬੇਸਬਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਨ ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਗਲੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕੋਹਰਾਮ ਮਚਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਕਿਆ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਸ ਅਸਹਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਨਬੀ ਦੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਕੋ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰਾ ਪਰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਨੇ ਪਰਦੇ ਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਲਾਂਗ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਏ ਪਰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਪਤਾ ਹੋਏ ਪਰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਪਰਦਾ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਏ ਪਰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਦਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਅਗਰ ਜਹੰਨਮ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਮਿੰਬਰ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਬੇਹਯਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਮੇਰਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਕ ਅਤਾ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਬਿਠਾਏ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ 312 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਅੰਦਰ ਲੋਕ
बताए जो घी भी साढ़े 500 रुपए हो गया उस वक्त अंदर तेरे सामने लोग बैठाए जो लोगों अपने वास टाइम कोई नहीं सी तू उन्होंने लतीफे ही सुना के चला गया तू उन्होंने किस्से ही सुना के चला गया और यार इस माइक तो बड़ा डर लगता है कल कियामत का दिन होएगा अल्लाह पाक ने सवाल करना है मैं तेन आवाज अता की मैं तेन मिंबर अता किया मैं तेन मस्जिद अता की दस मेरे दीन का किन्ना को हक अदा करके आए हैं ओए नौजवानों आमीना दे लाल अलैहि सलाम को लाके आंदी है सोने मेरा पर्दा जाहिल हो जाता है मैनू दुआ करो अल्लाह मेरा बीमारी नू दूर कर दे नबी पाक फरमाते ने आने वाली है अगर इस बीमारी ते सबर करेगी सबर की बरकत दे नाल अल्लाह तेनू जन्नत दा दाखला अता कर देगा परेशानियां ते सबर दुखां तकलीफां ते सबर इत्थे माड़ी तकलीफां दे हला लाला सोशल मीडिया ते कोहराम महल्ले अंदर कोहराम पता नहीं की हो गया सिहाबा नालों ज्यादा परेशानियां आईयां ने नबी पाक हर मौके ते सबर दी तलकीन करया कर दे आखरी हदीस पढ़ा ते गल मुकावा आमीना दे लाल अलैहि सलाम इंज सहाबा दे नाल जा रहे ने एक औरत अपने बेटे दी कबर ते बह के रो रही है आंदी है पुत्र जदों दा तू चला गया मेरे घर दियां रौनकां खत्म हो गई ने पुत्र जदों दा तू टुर गया मैनू जीन दा मजा ही नहीं आता ओए औलादां वालियो तुहानू पता है बीमार हो जाए सारी सारी रात वाले दिन नू नींद नहीं आती चिल्ड्रन हस्पताल अंदर मैं अपनिया गुनागार अखा नाल वेखे आए इधर बच्चा अंदर हॉस्पिटल अंदर एडमिट है बार वाले दिन जमीन ते बैठे ने कादे वास अपनी औलाद वास्ते औलाद वास्ते औलाद की मुहब्बत वास्ते ए नबी पाक का गुजर होया नबी पाक ने फरमाया सबर कर अल्लाह का बदला अता करेगा ने नहीं वेखिया कौने आंदी है जाओ जाके अपना काम करो अगर तुहाडा प्यारा दुनिया तो गया हुंदा तुहानू पता हुंदा अपने दी तकलीफ की हुंदी है नबी पाक दियां अखां चो छम छम आंसू आ गए ओए बेटियां दी मुहब्बत इंसान दे दिल अंदर बड़ी होया करदी है इधर इंसान दी शादी हुंदी है इंसान दुआ करदा है अल्लाह मैनू पुत्र अता कर दे अल्लाह मैनू बेटा अता कर दे मेरे बुढ़ा पेदा सहारा बन जाएगा मेरे बुढ़ापे अंदर मेरी सोटी बन जाएगा मेरे बुढ़ापे अंदर मैनू अस्पताल ले जाएगा लेकिन नबी पाक दा नन्ना जिहा पुत्र इब्राहीम इंज नबी पाक ने अपने हाथों ते उठाया नाल नबी पाक फरमांदे ने इब्राहीम तेरी जुदाई ने मैं मुहम्मद नू हला के रख दिता है इब्राहीम तेरी जुदाई ने मैं मुहम्मद दा दिल शिकस्ता कर दिता है और एक बबरां ते जाके रोना जायज़ वावेला करना जायज़ नहीं ओ नबी जिन्हें गैरां दियां गल्लां सुन के बर्दाश्त किया अज ओदियां भी अखां च आंसू आ गए कायनात दे लोगो तां ही ते किया करना मीम मौत दी आन के हवा वगी लोगो वस दे कर वीरान हो गए उल्लू बोलते ने सुंझियां बैठकां विच इंसानां दे बाज खाली मकान हो गए लोगो पुत्र नहीं जिन्हां दे जहान अंदर गुम ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਜੈਸਾ ਮੇਵਾ ਅਤਾ ਕਰ ਅੱਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਜੈਸੀ ਨਿਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਬੇ ਔਲਾਦ ਆਏ ਨੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਜੈਸੀ ਨਿਮਤ ਅਤਾ ਕਰ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੂ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਸਿਰ ਤੇ ਆਈ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸਬਰ ਕਰੇ ਉਸ ਸਬਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਕਾਦਾ ਸਬਰ ਹੈ ਮੁਸੀਬਤ ਗਈ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਬਰ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮਈਤ ਪਈ ਹੋਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਈਤ ਪਈ ਹੋਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਈਤ ਪਈ ਹੋਵੇ ਕਈ ਦਫਾ ਐਸਾ ਮੰਜ਼ਰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਾਸ਼ੇ ਬੁੱਢੇ ਬਾਪ ਉਠਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ
जवान पुत्रां दियां मैयतां बुढ़े बाप दलक तोड़ दिया कर दिया ने। साड़ी जमात दे बहुत बड़े खतीब ने कारी मोहम्मद अनीफ रब्बानी साहब, जदों उन्हां दा बेटा फौत होया एक मिनट भी उन्हां दियां खांचां सुनी आए, बस उन्हां ने अपने बेटे दी वफात ते होई गल कीती। मैं अपनी जुबान चो कोई ऐसा जुमला अदा नहीं करांगा जिदी वजह तो मेरा रहमान नाराज हो जाएगा। ओ यार सबर करया कर, अगर मुसीबत आ जाए सबर करया कर, अगर मुसीबत टेंशन अंदर गुजर गई है आखर ते नात पढ़ांगा ते गल मुकावांगा। जो बच गई जिंदगी दिल आंदे तेरी नात सुने दिया निब जावे को सुभान अल्लाह। जो बच गई जिंदगी दिल आंदे तेरी नात सुने दिया निब जाए, शाला हसन हुसैन दे नाने दी गल बात सुने दिया निब जाए। क्या पाक सिद्दीक गार होवे इक मैं होवा इक यार होवे, क्या पाक सिद्दीक गार होवे इक मैं होवा इक यार होवे। सप डंग मारे पवे लख वारी मुख यार तके दियां नी बजावे। जो बच गई जिंदगी दिल आंदे तेरी नात सुने दिया नी बजावे, शाला हसनो हुसैन दे नाने दी गल बात सुने दिया नी बजाए। के आसा दिया सोने मबीनू उस सोने ते मन मोने नू, के आसा दिया उस सोने नू उस सोने ते मन मोने नू, इको सिक है अरबी चन माया तेरी जात वखें दियां नी बजावे। जो बच गई जिंदगी दिल आंदे तेरी नात सुने दियां नी बजावे, शाला हसनो हुसैन ते नाने दी गल बात सुने दियां नी बजावे। आखरी जुमला ते तुहाडी भी गवाही पुआनी है। इंज नात सुने दी पढ़ जावा मैं पढ़दा पढ़दा मर जावा, मैं पढ़दा पढ़दा मर जावा, कर अमल सोने दिया सुनता ते इतात करें दिया नी बजावे। जो बच गई जिंदगी दिल आंदे तेरी शान सुने दिया नी बजावे, शाला हसनो हुसैन दे नाने दी गल बात सुने दिया नी बजावे। एक दफा आखर ते सुन लो, सात ऐसे अमल ने जिदी वजह तो अल्लाह बगैर हिसाब जन्नत दा दाखला अता करेगा। पहले नंबर ते नबी पाक फरमांदे ने जिहड़ा बंदा अपने जिस्म दा इलाज गर्म लोहे नाल नहीं करवांदा उहनूं अल्लाह बगैर हिसाब जन्नत दा दाखला अता करेगा। दूसरे नंबर ते जिहड़ा बंदा जादूगर कोल नजूमी कोल काहन कोल हथ वखाण वालियां कोल नहीं जांदा कल कियामत दा दिन होएगा अल्लाह पाक इस बंदे नूं बगैर हिसाब जन्नत दा दाखला अता करेगा। तीसरे नंबर ते नबी पाक फरमा ने जड़े बंदे ते बीमारी आ गई उन्हें ना दम करवाया ना दवाई ली रब ते भरोसा रखिया कल कयामत दा दिन होएगा अल्लाह पाक इस बंदे नू जन्नत बगैर हिसाब दी अता करेगा। चौथे नंबर ते नबी पाक फरमांदे ने जड़ा बंदा बदशगुनी तो बच जांदा है किसी नू मनहूस समझन तो बच जांदा है कल कयामत दा दिन होएगा अल्लाह बगैर हिसाब जन्नत दा दाखला अता करेगा। पंजवें नंबर ते नबी पाक फरमांदे ने जड़ा बंदा हर हाल अंदर अल्लाह ते तवक्कुल करदा भरोसा करदा यकीन करता है उम्मीद करता है अल्लाह कल कियामत दे दिन बगैर हिसाब जन्नत दा दाखला अता करेगा। छेवें नंबर ते नबी पाक फरमांदे ने जिहड़ा बंदा हर नमाज तो बाद आयतल कुर्सी दी तिलावत करता है कल कियामत दा दिन होएगा अल्लाह पाक बगैर हिसाब जन्नत दा दाखला अता करेगा। सतवां ते आखरी अमल नबी पाक फरमांदे ने जिदे ते कोई परेशानी आ गई तकलीफ आ गई ओदे ते उन्हें सबर कीता जिवें सबर करन दा हक है कमा हक हो जिन्हें सबर कीता कल कियामत दा दिन होएगा अल्लाह पाक उस बंदे नू बगैर
बगैर हिसाब जन्नत दा दाखला अता कर देंगे। आखिर ते मैं दुआ करना तुसी आमीन कहो। अल्लाह सानू सारियां नू उन्हां लोगों अंदर शामिल फरमा जिन्हां लोगों ने बगैर हिसाब अंदर जन्नत दे चलिया जाना है। या जिंदा सोबत बाकी व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।